आपकी इस पर आपकी प्रतिक्रिया सही है? देखिए, तीन तलाक के जो मामला है, मैं इसका घोर विरोधी आदमी हूँ, इसलिए मैं विरोधी हूँ कि इससे मुस्लिम समुदाय के लोगों को बड़ा धक्का लगा। कहे धक्का लगा, किसी के भी जात पर अगर कोई आक्रमण करता है तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तीन तलाक से कोई लाभ मिलने वाला महिला को नहीं है। ये जो मॉब लिंचिंग का मामला है, इससे ध्यान को हटाने के लिए हिंदुस्तान के जनता को ये कानून ला के पास कर दिया है कि तीन तलाक का मामला हो। अगर तीन तलाक का मामला है तो हिंदू में तो करोड़ों महिला को लोग तलाक दे दिया और छोड़ दिया है, फिर उस पर क्यों नहीं कानून ला रहा है? फिर उसको कहने कोई व्यवस्था कर रहा है? उस पर क्यों नहीं लोकसभा में बिल ला रहा है? इसलिए मैं इसका घोर निंदा और विरोध करता हूँ। ऐसा किसी के धर्म से, किसी जाति से छेड़छाड़ होना बहुत हिंदुस्तान के लिए नुकसानदेह होगा, और जो नुकसानदेह है हिंदुस्तान उसका भुक्तभोगी होता रहा है और होते रहेगा। क्योंकि जब भी कोई मुसलमान से छेड़छाड़ हुआ है, तब भी कोई आके आतंकवादी आक्रमण करता है, तो हिंदुस्तान में असहिष्णुता पैदा करने के लिए भाजपा और जो उनको सहयोगी लोग हैं वो जिम्मेवार हैं, न कि हिंदुस्तान के जनता जिम्मेवार है। हिंदुस्तान के जनता और राष्ट्रीय जनता दल और जो हमारे गठबंधन में लोग हैं, अमन चैन और शांति चाहते हैं, और मॉब बिलिंचिंग के भी ध्यान भटकाने के लिए खास तौर के इस मुद्दा को लाया गया। सरकार जी के पार्टी जो जदयू है वो बहिष्कार किया, स्पष्ट रुख करने में क्या दिक्कत है? हाँ तो हाँ, ना तो ना। अगर है साथ में बीजेपी के साथ तो स्पष्ट साथ दें, अगर बीजेपी के साथ नहीं है स्पष्ट विरोध करें हाउस में खड़ा होकर। इसलिए स्पष्ट होना अनिवार्य है, और हम बहिष्कार कर रहे हैं तो बहिष्कार करके क्या दे रहे हैं संदेश? ठगने वाला बात, ये मौगी भी मीठ और भतरों मीठ, ये नहीं चलेगा, दोनों चीज़ नहीं चलेगा। एक चीज़ में स्पष्ट कीजिए अपना रुख, अगर विरोध में है तो विरोध में रहिए, पक्ष में है तो पक्ष में। दोहरा चरित्र दिखाई दे रहा है। हाँ, इसे दोहरा चरित्र नीतीश कुमार का, ये दोहरा चरित्र से काम नहीं चलने वाला है, स्पष्ट होना जरूरी है। ये मुसलमान को वोट चाहता है कि हम लुभा के ले लें, और वोट के लिए ऐसा राजनीति कर रहा, पर इससे मुसलमान समझता है पढ़ा लिखा इंसान है। अगर पढ़ा लिखा इंसान नहीं होता तो ये देश में जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, जो वैज्ञानिक थे, वो राष्ट्रपति कैसे थे? नीतीश कुमार जितना ठगे के चक्कर में है, ठगाएगा कोई नहीं, उससे ऊपर सोच के लोग राजनीति करने वाले लोग इस देश में।